हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्शन रिएक्शन। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त परो मोगल। स्टिल यू डिड नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अभी की जो हमारी वीडियो है, ये फनी वीडियो की रिएक्शन वीडियो है और वीडियो का नेम है इंडियन मूवीज का अनोखा रिएक्शन। ऑसम स्पीक खुजली फैमिली की ये वीडियो है। पहले हम देखेंगे वीडियो और उस पर मेरा रिएक्शन, उसके बाद मैं दूंगा आपको शॉर्ट रिव्यू उस वीडियो के हवाले से। तो आइए चलकर देखते हैं पहले वीडियो और उस पर मेरा रिएक्शन। एक आम पाकिस्तानी माँ दो चीजें कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। पहली, रिश्तेदार जब इम्तिहानों की वजह से सिर्फ अपनी छोटी बेटी हया को घर पे छोड़ के बाकी पूरा खानदान बेहया बन के आपके घर पे यूं बरस पड़ते हैं, कई बरस उन्होंने यहाँ से हिलना नहीं है। और तभी जैसे क्रिटिकल टाइम में अगर गैस का सिलेंडर खत्म हो जाए तो उस मेजबान घर के माँ के मुँह से एक ही सदा बाहर निकल आती है की जल्दी या गैस वाला, जल्दी या। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके ऊबर चलाने वाले जवान बेटे का दोपहर 1 बजे तक सोना, बस इसी तरह मुझे आनंद वाली नींद से बेदार करके मुझे मेरी अम्मा जी ने ये कहा, और लांती अब तो उठ जाओ, सूरज निकल आया है। सूरज निकल आया तो अम्मा जी मैं क्या करूँ, फोटोसिंथेसिस करूँ? बस दिन का आगाज इसी तरह मदर चित्र खा के हुआ। तो बाद मेरी नजर इस वीडियो पे पड़ी। ये क्या था भाई साहब, ये वीडियो देख के सेंटा क्लॉस के रेंडियर्स ने रेंडी रोना डाल दिया है कि आज के बाद हमें भी दूध में सराजीत मिला के पिलाया जाए ताकि हम भी इन घोड़ों की तरह उड़ान भर सकें। ये कैसे घोड़े हैं माँ के, लो जी के रुकते ही नहीं। अरे भाई, इस वीडियो में तो शक्तिमान की माँ रोती, रजनी दादा के पास इतनी ताकत कहाँ से आई? इतनी ताकत तो जादू भी रोहित को नहीं दे सका। अरे कोई बताओ, ये केड़ा चिकन खाते हैं, ये केड़ा गोश्त खाते हैं? ये चिकन चूतिया है। बस हो गई मेरी बकवास, रख दी तुसी कोई एडिटिंग का जलवा लिखा के एक्टिंग बैंड मार दो। कौन कहां से शुरू कहां खत्म है भाई? ये बिल्ली का बच्चा शेर वीर उल्टी कलाबाजी सीधी कैसे मार रहा है यार? फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स, देखो न्यूटन ने कहा था कि जितना फोर्स लगाओगे उतना ही ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन होगा। मैं नहीं पयान कख नहीं पले पया की कह रही है तुसी? चोट जान लगती है वहां दर्द सबसे ज्यादा होता है। चोट लगी तो दर्द मुझे होता है। ऐसा सिर्फ साउथ इंडियन मूवीज में ही होता है। इतने बोंगे होते थे कि सीपर कोकोनट के ना नहीं आता था। खत्म हो जाए।
मुझे नहीं, ये दो गरीबों को। ये सीन तो मैंने देखा हुआ है कि घोड़ा नीचे से निकलेगा। हो घोड़े को ट्रक के नीचे से ऐसे स्लाइड करा दिया जैसे लेट सबमिशन के बाद टीचर के ऑफिस के दरवाजे के नीचे से असाइनमेंट स्लाइड कर देते हैं। इसमें तो घोड़े को स्क्रैच तक नहीं आया, लेकिन ये एनिमल अब्यूज है। असल जिंदगी में घोड़े के साथ ऐसे करोगे तो मुश्किल तो लग जाएंगे फिर। लेकिन सोचने की बात ये है कि ऐसा जानवरों पर कंट्रोल, ऐसी हैंडलिंग कौन हो सकता है ये शख्स? डॉक्टर तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखी ये वीडियो और उससे मेरा रिएक्शन, और ये खुजली फैमिली की वीडियो थी और वीडियो का नेम था इंडियन मूवीज का अनोखा एक्शन ऑसमो स्पीक। और काफ़ी सारे इसमें सीन दिखाए गए हैं जो कि साउथ इंडियन मूवीज़ के हैं, तो जो कि साउथ इंडियन मूवीज़ होती ही इस तरह की हैं तो बहुत ही अलग मयार की और अलग तरह की होती हैं, लेकिन लोग बहुत शौक़ से देखते हैं क्योंकि एंटरटेनमेंट फराहम करती हैं और अलग किस्म का एंटरटेनमेंट फराहम करती हैं, और वो के बहुत अलग, कुछ ज़्यादा ही अलग किस्म का होता है। लोग मज़े ले लेके देखते हैं और इन्जॉय करते हैं, और यही वजह है कि साउथ इंडियन मूवीज़ से की रीमेक बना बना के जो कि बॉलीवुड के एक्टर हैं वो सुपरस्टार बन गए। जैसे कि हम एग्जांपल ले लें सलमान खान की बेतहाशा फिल्में जो हैं साउथ इंडियन फिल्म्स की रीमेक होती हैं, जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं इस बात को, क्योंकि जो है साउथ इंडियन फिल्म्स की रीमेक हैं शाहरुख की नहीं, सलमान की बेतहाशा मूवीज़। और फिर जो कि क्योंकि सलमान खान की जो मूवीज़ होती हैं वो ज़्यादातर जो कि अलग इस वजह से भी होती हैं क्योंकि वो उनकी रीमेक करके बना लेते हैं, और फिर जो कि लोग वो नहीं देखी हुई होती तो फिर देखते हैं तो उनको नई चीज़ देखने को मिलती है, तो लोग समझते हैं वाह भाई वाह ये सुपरस्टार है, इसने कुछ न्यू किया होगा, कुछ नया है और ये वो सब कुछ इस तरह। फिर जो है ना, फिर जो है जो फिर चल जाती हैं सलमान खान की मूवीज़ भी, क्योंकि साउथ इंडियन मूवीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा अनोखी और बहुत फ़नी होती हैं। जैसा कि इस वीडियो के अंदर दिखाए गए काफ़ी ज़्यादा सीन वो सारे साउथ इंडियन मूवीज़ के ही थे, जिनका लॉजिक तो कोई नहीं होता या फिर कुछ भी ऐसा दिमाग नहीं होता, लेकिन जो है मज़ेदार किस्म के होते हैं जो कि एंटरटेनमेंट फराहम करते हैं। और ओवरऑल जैसे कि हम इस वीडियो की बात करें जो हमने देखी, आपको रिएक्शन दिया, बहुत ही कमाल की वीडियो बनाई है, अच्छी बनाई है और एंटरटेनमेंट से भरपूर है, और काफ़ी ज़्यादा फ़नी और यूनिक पहलुओं को उजागर किया है जो कि देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और अच्छी है, मेहनत की है काफ़ी बनाई है ये वीडियो तो ज़बरदस्त है। और इस तरह की वीडियोस काफ़ी मेहनत और लगन से बनती हैं, क्योंकि जो इसका स्क्रिप्ट होता है उस पर काम करना होता है और एडिटिंग पे काम करना होता है, और वीडियोस बहुत सारी चाहिए होती हैं, पिक्चर्स चाहिए होती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगन से बनती हैं तो अच्छी ही होती हैं, बल्कि कुछ ज़्यादा ही अच्छी होती हैं, क्योंकि जो चीज़ मेहनत और लगन के साथ काम करके बनाई जाती है वो चीज़ का रिज़ल्ट अच्छा आता है, और वो चीज़ बनती भी ज़बरदस्त किस्म की है। ओवरऑल वीडियो अच्छी थी, इंटरेस्टिंग थी और मज़ेदार थी, और ऐसी वीडियोस जो होती हैं जैसे कि हमने देखी तो ऐसी वीडियोस हम बार बार भी देख लें तो फिर बार बार दोबारा वही मज़ा आता है जो कि फर्स्ट टाइम देखने पर आता है, क्योंकि जो कि मज़ेदार किस्म की जो होती है एंटरटेनमेंट से भरपूर, और अच्छी थी ये वीडियो बल्कि कमाल की थी, ओवरऑल फुल ऑन एंटरटेनमेंट से भरपूर थी। काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को इसमें दिखाया गया है बॉलीवुड की जो कि अनोखी हैं, जो ज़्यादातर जो है साउथ इंडियन मूवीज़
होती हैं इस तरह की अनोखी अनोखी, तमिल, तेलुगू और फिर उसके सीन दिखाए गए तो मज़ेदार हैं और होते ही मज़ेदार हैं वो। और ओवरऑल जो वीडियो के हवाले से हम आपसे बात कर रहे हैं तो ज़बरदस्त किस्म की है, एंटरटेनमेंट से भरपूर और हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद आई और बहुत ही कमाल की थी। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखी ये वीडियो और उससे मेरा रिएक्शन और उसके बाद मैंने दिया आपको शॉर्ट रिव्यू उस वीडियो के हवाले से। अब आप भी हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं कि आपकी क्या राय है इस बारे में। हम आपकी कीमती राय के शिद्दत से मुंतज़िर हैं। और अब आप हमारी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें, कमेंट करना मत भूलें, शेयर करना मत भूलें। See you in next video. Thanks for watching.